नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है आज 18 फरवरी 2019, दिन है सोमवार, समय 9:12:20 हो रहे हैं। निफ्टी का प्री ओपन सेशन खत्म हो चुका है और 13 पॉइंट निफ्टी ऊपर ओपन हो रहा है, यानी 13.995 यानी 14 पॉइंट बिल्कुल नैरो। कल पिछले फ्राइडे की अगर इसकी क्लोजिंग देखें तो 10,724 पे इसने क्लोज किया था, आज बिल्कुल उसके मिडिल पॉइंट पे ये ओपन हो रहा है। ठीक है, यानी पिछले बार की जो क्लोजिंग जो ओपनिंग हुई थी बोल सकते हैं, 10,000 क्लोजिंग हुई थी 10,724, उससे जस्ट 14 पॉइंट ये ऊपर है। ये भी इसे अभी भी उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जो मैंने आपको पिछली बार दिखाया था। उस ट्रेंड लाइन को जब ये ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके नीचे क्लोज करेगा, तो ये फिर आपको 10,600 के लेवल और 10,500 के लेवल आपको बहुत तेज़ी से दिखाएगा। लेकिन यहाँ इस ट्रेंड लाइन का इसको बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था पिछले फ्राइडे को, लेकिन क्लोजिंग जाकर वापस उस ट्रेंड लाइन के ऊपर किया, तो अभी हमारे लिए जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी बना हुआ है एक पॉजिटिव मोमेंट है। और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो नीचे 10,600 लेवल और 10,500 के लेवल आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल सकते हैं। चलिए हम लोग अपना स्टॉक लगा लेते हैं, जो भी मैंने स्टॉक आप लोग को प्रोवाइड किया है उसको मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अडानी पोर्ट दिया अपने यूट्यूब चैनल के 3-स्टार सेक्शन में, उसको लगा लिया। उसके बाद मैंने दिया है एलएनटी का स्टॉक यानी लार्सन एंड टुब्रो। उसके बाद मैंने दिया है अमारा राजा बैटरी, ये 3 स्टॉक दिया है। टेलीग्राम पे सुबह में दिया है डिवीज लैब और एक स्टॉक दिया है इंडियन बैंक। तो ये 5 स्टॉक हुए, देखता हूँ इसमें कहाँ पे मूवमेंट होता है। मैं टेलीग्राम को ओपन कर लेता हूँ तो मैं ज़्यादा देर ट्रेड करूँगा नहीं, मैं ऑर्डर लगा के बंद कर दूँगा और फिर कोशिश करूँगा टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के बंद कर दूँगा थोड़ी देर में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये मेरा टारगेट अचीव करता है या नहीं करता है। जिस भी स्टॉक में जो भी लेवल पर मिलेगा उस पर करूँगा, जब तक लेवल पर मिलेगा नहीं लेवल पर करना है नहीं। टेलीग्राम पे जैसा कि आपको पता है इंडियन बैंक दिया 215 के ऊपर बाइंग और डिवीज लैब को 1615 के नीचे सेल दिया। आज झंझट ही खत्म कर दिया मैंने, इंडियन बैंक को सिर्फ बाय करने दिया है और डिवीज लैब को सिर्फ सेल करने दिया है। हम लोग इसका वेट करेंगे कि हमारा ये लेवल आता है या नहीं। एलएनटी में दोनों साइड है, हम लोग बाय भी है और सेल भी है, तो देखते हैं कहाँ पे क्या ओपन होता है। समय हो रहा है 9:14, ठीक है, 9:00 मार्केट ओपन हो गया, 9:15:05 हो रहे हैं, यानी मार्केट ओपन हो चुका है। चलिए हम लोग वेट करते हैं। इसमें एक ऑर्डर में 200 का ब्रैकेट ऑर्डर में लगाऊंगा, ऐसा लिमिट लगाऊंगा 215 रुपया और 215.05, यहाँ 10 पैसा कर देता हूँ और यहाँ 5 पैसा कर देता हूँ। स्टॉप लॉस लगाऊंगा 3 रुपये का, टारगेट लगाऊंगा 15.6 रुपये का और यहाँ मैंने बाय मारा, एक ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, 215 पे मैंने इंडियन बैंक को आपको बाय करने के लिए दिया हुआ है, मैंने 215 के पास ही ऑर्डर प्लेस करके 200 क्वांटिटी का रख दिया है। ठीक है, वो जब जैसे ही जाएगा वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, मेरा ऑर्डर इसमें लग जाएगा, अभी लगा बिल्कुल भी नहीं है, तो हम लोग अभी वेट करते हैं। ठीक है ना, हम लोग आराम से अभी वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी ऑर्डर बिल्कुल भी प्लेस नहीं हुआ है, अभी मेरा प्राइस पे आया नहीं, मैंने पहले लगा के रख दिया है। 215 जब भी आएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी स्टॉक यहीं पे घूम रहा है, सेलिंग तो इसमें मुझे करना ही नहीं क्योंकि सेल का लेवल ही मैंने आप लोगों को नहीं दिया है, बाय का लेवल दिया है, तो मैं भी सिर्फ बाय के लिए ही जाऊंगा। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके। समय हो रहे 9:16:44, तारीख है 18 फरवरी 2019, दिन है सोमवार।
ऑर्डर प्लेस हुआ है, एक्सिक्यूट नहीं हुआ, एक ऑर्डर ऑर्डर सेक्शन में जाके देखेंगे तो एक ऑर्डर यहाँ सेक्शन में पेंडिंग पड़ा हुआ है, इंडियन बैंक का 200 क्वांटिटी, चाहूँ तो 100 क्वांटिटी शायद और भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसी प्राइस पर, ऐसा लिमिट 214.80 रुपया कर देता हूँ, 215 रुपया, सॉरी यहाँ पे 15 लिखाएगा जितना पे लेना है, और ट्रिगर प्राइस यहाँ पे स्टॉप प्राइस हमारा 280 पे लिखाएगा, 3 रुपये का टारगेट, 6 रुपये का स्टॉप लॉस, 100 क्वांटिटी फिर मैंने बाय मारा यानी 100 क्वांटिटी और मैंने प्लेस कर दिया, जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसमें क्या दिक्कत है, लॉस भी नहीं होगा, जब ऑर्डर ही नहीं लगेगा तो लॉस क्या होगा, है ना। चलिए हम लोग वेट करते हैं, इसका देख लेते हैं इसका हिसाब किताब क्या है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग वेट करेंगे आराम से, आराम आराम से वेट करना है हम लोगों को। रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, समय हो रहे 9:18, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, समय हो रहे 9:22:18, अभी तक हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है इंडियन बैंक में, ऑर्डर लगा हुआ है मेरा, देखते हैं जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा आप लोगों को मैं अपडेट करूंगा। और अडानी पोर्ट को 348 के नीचे सेल दिया हुआ है, 349 चल रहा है, तो 348 के नीचे मैं एक ऑर्डर लगा के रख भी सकता हूँ, या इसको इग्नोर कर देता हूँ, कोई बात नहीं, हमारा हमारा राजा बैटरी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो इंडियन बैंक में 300 क्वांटिटी का ऑर्डर लगा हुआ है। वेट करते हैं, निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है, सबसे मेन तो ये निफ्टी देखिए, बिल्कुल नैरो है, 18 पॉइंट में है, और अभी धीरे धीरे डाउन हो रहा है, बिल्कुल स्टैंड लाइन के नीचे ये ब्रेक करके अब नीचे की तरफ ये आ रहा है, ठीक है। पिछली बार भी इसने यहाँ पे ब्रेक तो किया था, पिछली बार भी इसने ब्रेक तो किया था जरूर स्टैंड लाइन को, लेकिन ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग जाके ऊपर में दिया था, वापस से इस ट्रेंड लाइन को इसने क्रॉस किया, नीचे की तरफ ब्रेक किया है, तो अभी देखते हैं, तब तो थोड़ा से नीचे ही आना चाहिए, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर एग्जीक्यूट हो जाता है, ये जा रहा है, लग रहा है इंडियन बैंक जा रहा है हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए, 215 के पास हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, शायद यही कैंडल हमारा एग्जीक्यूट कर दे, और इस कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 212 रुपये का होगा, एक्चुअली इसका सही स्टॉप लॉस 211 रुपये का होगा, कितना लिखा आपको 211, 211 का होगा, तो वो मैं बीच में मॉडिफाई कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये देखिए लगता है हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, 100 क्वांटिटी का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, 200 क्वांटिटी बचा हुआ है, क्योंकि 100 क्वांटिटी का मैंने कितना लिया था, 214.80 रुपये के पास मैंने लिया था, ये भी हो गया, चलिए सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है, 300 क्वांटिटी टोटल एग्जीक्यूट हो चुके हैं मेरे, 9 रुपये अभी प्रॉफिट में चल रहा हूँ, और टारगेट स्टॉप लॉस दोनों प्लेस हो गया अपने आप, ठीक है। कितने बजे हुआ, 9:24:15 पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। अब मैं टारगेट 221 रुपया का जो मेरा टारगेट है उसके लिए हम लोग वेट करेंगे, और जो स्टॉप लॉस है 212 रुपया के लिए उसका भी हम लोग वेट करेंगे, चाहे तो स्टॉप लॉस काटेगा चाहे तो हमारा टारगेट देगा, तो 69 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, ऑल पोजिशन देख लिए 84 का प्रॉफिट हो गया है, 99 का प्रॉफिट हो चुका है। तो देखिए प्लेस किया ना बिल्कुल जगह पर, वेट किया ना, हड़बड़ा मार्केट ओपन हुआ कूद गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये सब मूर्खों का काम है, ठीक है। और मुझे पता है कि मेरे व्यूवर सारे तेज हैं, बहुत ज्यादा तेज हैं, तो बिल्कुल नहीं करना, वेट करिए पेशेंस के साथ, टारगेट पे आता है लेवल पे आता है तो ही ट्रेड करिए, नहीं आता है तो बिल्कुल ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, कोने किसी डॉक्टर ने नहीं कहा डेली ट्रेड करना है ना। तो देखिए मैं टारगेट 221 रुपये के लिए वेट करूंगा, पूरा का पूरा 221 रुपये, सारे ऑर्डर 221 पे लाके सेट कर दूंगा, सब छोटा छोटा क्वांटिटी मिला है, तो मिला छोटा छोटा क्वांटिटी तो अच्छी बात है, मैं इसको 221, ये ठीक है, 69 का प्रॉफिट चल रहा है, चलिए हम लोग वेट करते हैं, 174 हो चुका है, 221 का टारगेट मेरा हो गया, यहाँ पे 249 का प्रॉफिट हुआ है, अभी 159 हो गया, 219 हो गया, तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, बिल्कुल लेवल पे ट्रेड करिए, बिल्कुल पेशेंस के साथ ट्रेड करिए, मार्केट निगेटिव है, मार्केट निगेटिव है ना, पर हमारा स्टॉक हमारे टारगेट की तरफ जा रहा है, ये बड़ी बात है ना, इसे कहते हैं डिसिप्लिन, इसे कहते हैं लेवल। और ये मैं बता दूं, ये मैंने अपने सुबह में जो मेरी क्लास हो रही थी 6 बजे जो मेरी बैच चलती है उसमें मैंने ये स्टॉक बताया हुआ था ये, और उस लोगों के सामने मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए ये पोस्ट किया था,
देखिए मैं जो चीज बता रहा हूँ वो काम करता है या नहीं करता है। तो वो लोग भी लाइव देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि किस तरह से चीजें काम करती है। बिल्कुल, अगर आपने चीजों को पकड़ लिया सही से, तो बिल्कुल चीजें उसी तरह से काम करती है। तो मुझे उम्मीद है वो लोग भी इसमें देख के, मैंने उन्हें ट्रेड करने के लिए नहीं बोला था, मैंने कहा था सिर्फ वॉच करना है, मैं आप लोग के सामने देता हूँ, क्योंकि मुझे अपने चीजों पे बहुत कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने एनालिसिस भी बहुत कॉन्फिडेंस है। तो मैं उन लोगों के सामने दिया कि देखिए यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ और ये चीजें उसी तरह से काम करेगी जिस तरह से मैं डाल रहा हूँ। अभी 144 का प्रॉफिट हो रहा है, 221 का टारगेट होना चाहिए, मेरे ख्याल से टारगेट 221 का होना चाहिए। हम लोग अभी वेट करते हैं 221 के टारगेट के लिए। रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, समय हो रहे 9:27:28, थोड़ा सा टारगेट को मॉडिफाई कर दूंगा। 220 रुपये पे सही टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट 220 पे होगा, मैं 220 पे कुछ क्वांटिटी को रख देता हूँ ताकि प्रॉफिट बुकिंग भी होता रहे बीच बीच में। अभी 204 का 159 हो गया, कोई बात नहीं, कुछ प्रॉफिट में 220 पे भी लेना चाहूंगा, ये मैंने मार दिया 220 पे, कुछ चीजों को और भी कर देता हूँ 220 पे, यहाँ 220 पे। अभी मैंने फिलहाल इस 98 क्वांटिटी को मैं रख देता हूँ 221 पर ही, 221 पर, और बाकी 220 पे मेरा टारगेट है। चलिए हम लोग वेट करते हैं, चीजें काम करती है, वो सकते हैं आपको उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए या तो मेरा स्टॉप लॉस काट दे या तो मेरे से टारगेट दे दे, मैं क्लोजिंग अभी बंद कर देता हूँ, ठीक है, अभी मैं बंद करता हूँ। जैसे ये टारगेट की तरफ जाने लगेगा मैं आप लोगों को फिर से अपडेट करूंगा। समय देख लीजिए 9:28:27 हो रहे, तारीख 18 फरवरी 2019 है, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, मैं रवि कुमार। चलिए रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहे 9:34:33, 219 का प्रॉफिट चल रहा है, और ये बताने के लिए फिर से आया हूँ कि मैंने एक सेक्शन शुरू किया है आपके सवाल मेरे जवाब करके। तो कल मैंने ये वीडियो बताया था ये चीज़ के बारे में कि आपके सवाल मेरे जवाब, ये आपको सवाल पूछना है महीना के हर शनिवार को, मंथ के हर शनिवार को ये सवाल आप मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। लोगों ने कल से ही पूछना शुरू कर दिया है ना, कल तो संडे था, सैटरडे को महीना मंथ के हर सैटरडे को आप पूछ सकते हैं, मंथ के हर सैटरडे को आप सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं संडे को दूंगा मॉर्निंग में वीडियो बना के सारे सवालों को कलेक्ट करके। मैं सैटरडे को जितने भी सवाल आएंगे मेरे पास ना, उन सारे सवालों को कलेक्ट करके मैं संडे की सुबह में वीडियो बनाऊंगा या ऑनलाइन ही आ जाऊंगा, ऐसा भी कर सकता हूं मैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ऑनलाइन आने के बाद मैं चेहरा दिखाने वाला हूं, ऐसे कुछ भी नहीं, मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा, ठीक है, पर वहां पे मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो वहां पे या तो ऑनलाइन आ जाऊं या फिर वीडियो बना के डाल दूं, पर आपको पूछना सैटरडे को ही है, ठीक है, वो मंथ के हर सैटरडे को। मंथ में चार सैटरडे होते हैं, चार संडे होते हैं, हर चीज चार होता है, तो चारों सैटरडे को आप पूछ सकते हैं, मैं चारों सैटरडे संडे को जवाब दूंगा उसका मॉर्निंग में। लोगों ने कल से ही शुरू कर दिया, एक्चुअली लोगों की तो आदत होती है वीडियो स्किप करके देखने की ना, तो पूरा सुना नहीं होगा, ये हो सकता है मिस्टेक हुआ हो, तो कल से ही लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। मैंने उन लोगों को बोला कि भाई साहब ये सवाल आपको सैटरडे को पूछना, तो कृपया कर दोस्तों सैटरडे को ही सवाल पूछे, मैं संडे को जवाब मॉर्निंग में वीडियो बना के डाल दूंगा। आपकी जो भी क्वेरी होंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने छोटे दिमाग के हिसाब से उसका जवाब देने की कोशिश, और वो मेरा अपना व्यू होगा, सिर्फ अपना व्यू, मेरा कोई उसमें आपको पर्सनल सेलिंग बाइंग या कुछ भी स्टॉक के बारे में कोई पर्सनल नहीं होगा, सिर्फ मैं अपना व्यू बताऊंगा उस पर, बाकी क्या डिसीजन लेना है क्या करना है वो आपका है। तो डिविज लैब ने हमारा सारे टारगेट पूरे कर दिए डिविज लैब ने, और हमारा राजा बैटरी ने भी एक टारगेट दे दिया 749 रुपये का, एलएनटी ने भी एक टारगेट दे दिया हमारा 1259 रुपये का, अडानी पोर्ट फंसा हुआ है अभी भी रेंज में, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, एक कैंडल के शेडो में घूम रहा है। इंडियन बैंक प्रॉफिट में हूँ, 129 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, अभी 249 था, कोई बात नहीं, यानी 216 रुपये अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो ये जब 216 ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, कोई बात नहीं जाएगा। आपको पहला टारगेट मैंने इंडियन बैंक में कहाँ दिया है, 219 का दिया है, तो मैंने 220 के पास रखा हुआ है अपना पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 221 रखा हुआ है, तो हम लोग वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समय हो रहे 9:37:03, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ अभी। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहे 9:40:14, 309 का प्रॉफिट हो गया है मुझे ऑलरेडी, 216 का जो लेवल था उसको इसने ब्रेक कर दिया है, 300 का प्रॉफिट हो चुका है, 309 ऑल पोजीशन तो आपको पता ही है, यही है, अभी 294 हो चुका है। हम लोग वेट करते हैं, अभी कोई बात नहीं है, क्या होगा नहीं होगा वो अभी हम लोग को पता चल जाएगा। 249 का प्रॉफिट चल रहा है अभी,
यहाँ पे सस्टेन करेगा। 220 है पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 221 है, देखते हैं कौन सा टारगेट हमें अचीव होता है। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ अभी। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 11:17:28, 231 का भी लॉस चल रहा है। अभी यहाँ पे स्टॉक आया हुआ था 212 रुपये कुछ पैसे के पास, तो 550 रुपये के आसपास का लॉस था। मैं फिर भी बैठा हुआ हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं फिर भी बैठा हुआ, आराम से बैठा हुआ। मुझे मेरा टारगेट 220 का उम्मीद है, ये 220 जाएगा। एक्चुअली देखिए, मैंने डिवीज लैब को सेल का दिया था टेलीग्राम पर, वो सेल का जल्दी से टारगेट इसलिए दे दिया क्योंकि अकॉर्डिंग टू वो मार्केट चल रहा है, ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग वो चल रहा है, इसलिए उसने हमें तुरंत से फटाक से टारगेट दे दिया। इंडियन बैंक में क्या है कि ये अपोजिट टू मार्केट है, मार्केट डाउन है और ये स्टॉक हमने बाय लिया हुआ है, तो ये कोशिश करता है, ये स्टॉक कोशिश कर रहा है कि हमने जो लिया है उसके हिसाब से वो चले, पर अकॉर्डिंग टू मार्केट, मार्केट चूंकि अंडर प्रेशर वर्क कर रहा है तो ये बार बार जाता है उस लेवल को टकरा के नीचे आ जाता है। एक बार इस लेवल के ऊपर ये क्लोज करे, सस्टेन कर जाए, तो फिर हमारा टारगेट आसानी से अचीव हो जाए या मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए तो टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बना हुआ हूँ अभी भी, 11:18:28 हो रहे हैं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, तो मैं बना रहूंगा। अभी 171 का लॉस है। ऑल पोजीशन ऐसे आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ, यही है ऑल पोजीशन, 300 क्वांटिटी को बाय ब्रैकेट ऑर्डर में मैंने लिया हुआ है, बस यही चल रहा है। तो जो भी होगा टारगेट लॉस आपको मैं दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। और मैं बना हुआ अभी यहाँ पे 550-600 के लगभग मुझे लॉस दिखा रहा था, मैं फिर भी बना हुआ हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ अभी। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 11:58 और अभी 36 का लॉस चल रहा है मुझे। देखिए मैंने क्या है कि इसमें गलती की है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू मार्केट मुझे जाना चाहिए था, जैसे डिवीज लैब है ना, डिवीज लैब में मुझे प्रॉफिट हो जाता क्योंकि डिवीज लैब सेल साइड में मैंने दिया हुआ था और निफ्टी भी हमारा आज डाउन साइड में, तो देखिए उसने तुरंत हमारा टारगेट दे दिया। इंडियन बैंक में मैंने क्या किया है, अपोजिट टू मार्केट ट्रेड किया हुआ है, ये बहुत कोशिश कर रहा है 216 रुपये के लेवल को तोड़ने के लिए, पर ये लेवल तोड़ नहीं पा रहा है, ये उसके नीचे ही बार बार दो बार टकरा के आ चुका है 216 रुपये के लेवल को, उसके ऊपर ये जा नहीं पा रहा, यानी अपोजिट टू मार्केट मैं ट्रेड कर रहा हूँ। देखिए इसको कितनी दिक्कत हो रही है हमारे टारगेट के पास जाने में, तो यहाँ पे सबसे अच्छी समझदारी वाली बात क्या होगी, जैसा कि मुझे लगता है वैसा करना चाहिए, पता नहीं आप लोग में से कितने लोग सहमत होंगे कि यहाँ पे से जो भी मुझे मिल रहा है ना लॉस, मैं बुक करके बाहर निकल जाऊँ। मुझे तो इसी में समझदारी लग रही है कि 200-300 रुपये जो भी लॉस हो वो लेके अपना निकल जाइए अभी। ऐसा हालांकि 111 का लॉस चल रहा है मेरा, वही मैं 2-3 मिनट वेट करता हूँ, अगर इससे ज़्यादा जाने लगेगा तो मैं कट कर दूंगा सौदा और 300-400 रुपये 500 का जो भी लॉस होगा वो लेके निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू मार्केट चलता है अगर डिवीज लैब तो मुझे अभी तक घर में बैठ जाना चाहिए था मेरा प्रॉफिट लेके, जैसा कि आप लोगों को मेरी आदत पता है, ठीक है कि मैं तुरंत से लेके बैठ जाता हूँ। लेकिन यहाँ मैं अपोजिट मार्केट काम कर रहा हूँ तो थोड़े से कष्ट हो रहा है मेरे स्टॉक को, कष्ट इसलिए कि 216 के लेवल को ये तोड़ने की कोशिश करता है पर बार बार फंस जा रहा है। मैं 2 मिनट देख लेता हूँ, उसके बाद फिर डिसीजन लूंगा। तो दोस्तों यही दिक्कत है, देखिए 231 हो गया है लॉस, अब मुझे लग रहा है सौदा को कट कर देना चाहिए, तो चलिए मैं कट ही कर देता हूँ, है ना, कट करके मैं निकल जाता हूँ। 141 यहीं पे लोगों का यहीं पे पेशेंस खराब हो जाता है। देखिए अभी 231 हुआ, अब 141 हुआ, मैं रुक गया, मुझे लग रहा है यार नॉर्मल लोग क्या सोचेंगे कि अरे शायद ऊपर चला जाए, शायद ऊपर चला जाए, लेकिन भैया यहाँ कोई बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं है, मार्केट निगेटिव है 65 पॉइंट क्लियर दिख रहा है, हमारा बैंक निफ्टी भी निगेटिव है 9 पॉइंट एक रेंज में फंसा हुआ है, तो इससे अच्छा दिमाग वाला क्या होगा कि आपको कट करके सौदा को निकल जाना है, ठीक है। मैं 2 मिनट देख लेता हूँ, 12:01 हो रहा है, अभी मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, 1-2 मिनट और, उसके बाद मैं कट कर दूंगा। चलिए देखता हूँ, 186 का लॉस हो रहा है मुझे। मार्केट के अगेंस्ट काम करेंगे तो यही होगा, है ना, मार्केट आप अपने स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हैं, मैं बिल्कुल अपने लेवल पे बना हुआ हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखे होंगे बीच में 400 रुपये का मुझे प्रॉफिट भी आ रहा था, 350-400 का लगभग, पर वो स्टॉक उसके ऊपर जाना चाहिए था, स्टॉक नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे ऊपर से बहुत प्रेशर है, तो इससे अच्छा है कि मैं निकल जाता हूँ। चलिए मैं निकल जाता हूँ, तो दोस्तों ओवरऑल 231 रुपये का लॉस में मैं निकल रहा हूँ, 231 प्लस ब्रोकरेज जोड़ लीजिए 250-300 रुपये का लॉस हो जाएगा, तो यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ। चलिए मैं अब रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, तो 250 रुपये का लॉस लेकर मैं कट कर लेता हूँ। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।